Good morning, dear students. Today we will discuss the next topic, that is microbes in industrial products. पिछले डेट अपने को प्रीवियस लैक्चर सेगा किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने साडे डेली प्रोडक्ट के खासकर जो डेयरी प्रोडक्ट है ईटेबल प्रोडक्ट है उन्होंने किस तरीके कि रोल प्ले करते हैं लेकिन जेडे अहने है कि आम घर जो बना सकते हैं हम आप गल कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जेडे आप कहने है कि लैबोरेटरी के जड़े कि तैयार किए जाते हैं क्योंकि जोड़े कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या कि फरमेंटेशन जो कि रोल प्ले करते हैं जिदे असं कहने कि यीस्ट या यीस्ट लाइक जोड़े कि माइक्रो ऑर्गेनिजम उन्हों की गल कर सकते हैं ये कॉमन प्रोडक्ट की है एलकोहल एंटीबायोटिक्स सब तो पहला बेटा आप गल करा एलकोहल की तो एलकोहल या कोई भी आप कहने कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तैयार करने वास्ते मैथडोलॉजी के जोड़े कि तीन स्टेजिस होंगे है तीन जोड़े अपने को स्टेजिस जोड़ा कि मैथड कंप्लीट होंदा है सब तो पहला है अपने को लैबोरेटरी स्केल लैबोरेटरी स्केल के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम लेना है जोड़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आ एप्लीकेबल हैगा जब बहुत ज़्यादा वधिया मनिया जाता वह स्ट्रेन जोड़ा उस प्रोडक्ट को तैयार कर सकता है सब तो पहले कि सूटेबल स्ट्रेन लेना जरा कि सिलेक्ट करना है उस तो बाद क्या फरमेंटर फरमेंटर का मतलब की होंगे है कंटेनर जिस कंटेनर के आप कहने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम ने क्या फरमेंटेशन परफॉर्म करनी है तो उस दौरान जो आप कहने कि स्टरलाइज किया फरमेंटर जरा कि लिया जाता है जोड़ा पहला यूज किया जाता है दैट इज़ द ग्लास फरमेंटर जो आप कहने कि ग्लास का बनया है लेकिन उस तो बाद प्रोडक्ट को चेंज करने वास्ते न्यूट्रेंट मीडियम चेंज करने वास्ते जोड़े मटैलिक कंटेनर जोड़े कि ले जाते हैं जिन्हों का साइज जोड़ा कि बहुत ज़्यादा व्डा होंगे ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा जोड़ा कि प्रोडक्ट उसमें क्या मैनुफैक्चर किया जा सके तो फरमेंटर लिया जाता है उस तो बाद न्यूट्रेंट्स फॉर द माइक्रोब्स क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम की ग्रोथ होगी ता ही आप कहने कि ज़्यादा अमाउंट के जोड़े कि माइक्रो ऑर्गेनिजम ने प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जिस करके माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रॉपर जोड़े कि न्यूट्रेंट्स की जरूरत होंगी है इस करके न्यूट्रेंट्स फॉर द माइक्रोब्स द लैबोरेटरी स्केल के मेन यूज किया जाता है कि किड़े-किड़े न्यूट्रेंट्स है माइक्रोब्स जोड़े कि प्रोवाइड करने हैं उस तो बाद पी एच वैल्यू कि एसिडिक मीडियम देना है बेसिक मीडियम देना है तो पी एच वैल्यू जी सैट की जाती है एरिएशन क्योंकि कुछ जो अपने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे है जिन्होंने आप कहने है कि आ एक जगह तो दूसरी जगह तक पास करने वास्ते कि आ हिलाना पैंदा है जिदे वास्ते जी कि एयर पास ऑन की जाती है जिदे करके माइक्रो ऑर्गेनिजम की आ जगह के उपर जोड़े कि पास ऑन कर जाए जिस जगह के उपर जोड़े कि वह पहुँचे नहीं है एरिएशन प्रोवाइड की जाती है अगर वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी है तो उस दौरान क्या डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप कहने कि प्रॉपर जो आप कहने कि प्रबंध किया जाता है टैंपरेचर ऑप्टिमम टैंपरेचर प्रोवाइड किया जाता है बाई प्रोडक्ट देखा जाता है कि किड़े वेस्ट प्रोडक्ट जोड़े कि बाहर निकल रहे हैं उन्होंने वास्ते जो आप कहने कि मेन जो आप कहने कि मैथड आ वो बनाया जाता है प्रोडक्ट इनहिबिशन और द स्टिमुलेशन की प्रोडक्ट को घटाना है इनहिबिट करना है या प्रोडक्ट जो कि वधाना है स्टिमुलेट करना है तो भी जो आप कहने कि लैबोरेटरी स्केल के अंडर आता है उस तो बाद कितने टाइम के जो अपने को प्रोडक्ट जो कि तैयार हो सकता है सैपरेशन एंड द प्यूरीफिकेशन तो लास्ट में क्या जो प्रोडक्ट बन गया उस जोड़ा कि सैपरेट करना क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट बन गया तो वो कोई इंप्योरिटीज नहीं हो तो उस तो बाद फिल्टर भी किया जाता है प्यूरीफाई भी किया जाता है उस तो बाद जो कि प्रोसैस जरा कि फाइनलाइज होंगे है तो अपने को लैबोरेटरी स्केल सैकेंड में तो मैथड हों पायलट प्लांट स्केल पायलट प्लांट स्केल का मतलब दैट इज़ द इंटरमीडिएट विचकारला हों क्योंकि आप कह कि तीन वेव होंगे है तीन स्टेजिस होंगे ने दैट इज़ द इंटरमीडिएट कि जो भी लैबोरेटरी स्केल के हो रहा है उस लैबोरेटरी स्केल के जो आप कहने कि मैथड को चैक करना तो उसको क्या पायलट प्लांट स्केल कहते हैं जिदे क्या जो टेस्ट किया जाता है जो प्रोडक्ट वैल्यूएट हो रहा निकल रहा है कितनी कॉस्ट वो उपर लग रही है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज अवैलुएटेड
जब प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरीके की आ रही है तो सारिया चीज़ें जी अवैल्यूएट की जाने जिदे वास्ते क्या कि बायोरिएक्टर यूज किए जाते हैं। जैसे उन्होंने पहले क्या कि बायोरिएक्टर का मतलब क्या है लार्ज कंटेनर जो फरमेंटर ग्लास जे अपने को कंटेनर ने उन्होंने जगह के उपर की आ मटैलिक कंटेनर जोड़े कि यूज किए जाते हैं दैट इज नोन एज द बायोरिएक्टर जिड़े आप कहने कि उस प्रोडक्ट के रिएक्ट करके की आ उसकी जी की रिएक्शन इनक्रीज कर सकते हैं और लार्जेस्ट अमाउंट के मैनुफैक्चरिंग जी की हो सकती है किसी भी प्रोडक्ट की। थर्ड है बेटा अपने को मैनुफैक्चरिंग यूनिट जो अपने को लास्ट है ये कि यूज लार्ज बायोरिएक्टर क्योंकि यह तो है नहीं कि असी थोड़ी जी मात्रा में तैयार किया तो उन्होंने प्रोडक्ट जो कि सफिशियंट है उन्होंने मल्टीप्लाई भी करना है ज़्यादा अमाउंट के जो भी डिमांड है मार्केट के तो वो अकॉर्डिंग कि प्रोडक्ट जो कि बढ़ाया जाता है ज़्यादा अमाउंट के मैनुफैक्चर किया जाता है जिदे करके यूज लार्ज बायोरिएक्टर जो कि यूज किए जाते हैं जिदे कि तीन मैथड होंगे तो उस प्रोडक्ट इनक्रीज करने वास्ते सब तो पहले बेटा अपने को स्पोर्ट ग्रोथ मैथड। स्पोर्ट ग्रोथ मैथड का मतलब क्या है सरफेस के उपर कि जो भी न्यूट्रेंट मीडियम है जिदे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम ने उन्होंने ग्रो करना है तो उस सरफेस के उपर जो कहने कि न्यूट्रेंट मीडियम प्रोवाइड किया जाता है। सैकेंड है बेटा सस्पेंडेड ग्रोथ। सस्पेंडेड का मतलब की है लटकना इस तरीके आप कहने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम के न्यूट्रेंट्स में लटकाया जाता है। तीसरा बेटा अपने को लगे कॉलम ग्रोथ मैथड। कॉलम ग्रोथ मैथड का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम आर प्लेस्ड इन कैल्शियम एजिनेट बीज के आर कैप्ट इन कॉलम। कॉलम का मतलब कि जिते प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उन्होंने विचकार विचकार जी आप कहने लेयरस बना देने कॉलम के जो आप कहने खड़े करके उन्होंने जोड़ा कि रख देना है। तो मैनुफैक्चरिंग यूनिट के तीन अपने को जो कि वे जो यूज होंगे है जिदे करके प्रोडक्ट जोड़ा कि मैनुफैक्चर होंगे है लार्जेस्ट अमाउंट के आप पहले ही गल की दो कॉमन जोड़े अपने को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है एल्कोहल के एंटीबायोटिक्स। हम सब तो पहले आप गल करा एल्कोहलिक फरमेंटेशन जी एल्कोहलिक फरमेंटेशन से सब तो पहले लुईस पास्टर ने जी की प्रपोज की सी उन्हें की कहा कि जिन्हें भी अपने को यीस्ट या यीस्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने एक्टिविटी के नाल जी की एल्कोहल परफॉर्म अप होंगी हैगी किसी भी आप कहने कि बारले हो सकता है राई हो सकता है या ग्रेप्स हो सकते हैं माल्ट हो सकता है जिन्हें जोड़े यीस्ट है जो फरमेंटेशन परफॉर्म अप करते हैं तो बाई प्रोडक्ट के तौर पर जी कि एल्कोहल बाहर कड़ते हैं। दीज आर नोन एज द ब्यूरर यीस्ट जिद पिछे गल की यीस्ट यूज होंगी हैगी फरमेंटेशन पार्टीसपेट करती हैगी जिथे आप ब्रैड की गल की जी यीस्ट यूज होंगी हैगी आप कहने कि बेकरस यीस्ट का नाम दिता जाता है तो ये असी कि ब्रूअर्स लिक्विड जरा कि यूज कर प्रोडक्ट तैयार करना है जिस करके उस यीस्ट को कि ब्रूअर्स यीस्ट का नाम दिता जाता है। नैक्सट है बेटा अपने को प्रोसैस तो किस तरीके कि अल्कोहल तैयार की जाती है। यीस्ट डस नॉट पोजैस अमाइलेज क्योंकि आप गल कर रहे हैं कि असी कार्बोहाइड्रेट्स लेना है असी राई लेनी असी वीट लेना है या असी कि माल्ट लेना है या असी बारले लेना है या ग्रेप्स लेनी है सारे में आप कहने कि स्टार्च पाई जाती तो स्टार्च में आप कहने कि सिंपलर फॉर्म के जो कि ब्रेक डाउन करने वास्ते सब तो पहला स्टैप है कि एंजाइम अमाइलेज यूज होता है। लेकिन यीस्ट जो आप कहने कि अमाइलेज जो कि पोजेस नहीं करता जिदे करके 1% जी कि माल्ट और राइजोबस जी कि यूज की जाती है जो भी असं जो कि स्टार्च लिया है जो भी असं कार्बोहाइड्रेट्स लाए है उन्होंने सब तो पहले कि हाइड्रोलाइसिस किया जाता फॉर 30 मिनट्स। हाइड्रोलाइसिस का मतलब की है कि जो भी असी सबस्टांस लिया जो भी असी की आ प्रोडक्ट लिया है उन्होंने कहना कि वाटर के अंदर कि डिजोल्व आउट करना जिदे करके कि दैट ब्रेक्स डाउन कर जाते हैं आयंस तो उसमें असं कि हाइड्रोलाइसिस कहने है। द क्रस्ट फूड मिक्सड विद द हॉट वाटर जो भी असी फूड लेना उन्होंने कहना कि क्रश करना क्रश का मतलब बिल्कुल की आ रगड़ लेना है। क्रश फूड मिक्सड विद द हॉट वाटर फॉर्मिंग द माल्ट क्योंकि असं पहले ही क्या कि माइलेज वास्ते कि माल्ट यूज करना है तो उस माल्ट फॉर्म अप होंगे जिन्होंने कि मैश किया जाता है। उस तो बाद बेटा
ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿ ਸਵੀਟੈਂਟ ਸਵੀਟੈਂਟ ਕਿ ਲਿਕਡ ਪਰਫੋਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਟ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੋਕੁਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੀਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਐਨਰੋਬਿਕ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਨੋਕੁਲੇਟਡ ਵਿਦ ਆ ਯੀਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨੋਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਪੋਰਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਰਫਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਲਟਕਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੀਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਕੰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਵਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਐਲਕੋਹਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬੈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਇਓ ਰਿਐਕਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਐਲਕੋਹਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਟ ਬੈਚ ਹੈ। ਫੈਟ ਬੈਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੀਡ ਅਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਡ ਅਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਮੋਬਲਾਈਜ਼ਡ। ਇਮੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਲੂਲਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੂਲਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਮ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20 ਇਅਰਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕੋਹਲ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬੋਟਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੰਡੈਂਸਡ ਕਰਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਚੁਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੋਟਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਰਡ ਲਿਕਡ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਕਟੀਫਾਈਡ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਐਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲਕੋਹਲ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯੀਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਰਿਮੂਵ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।